अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकअब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, फतह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां पेश की गईं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शायबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रवायती रखवाल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजलो करम से खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर भी ये खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असरा वाली मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। दोस्तों, आज से चंद सौ साल कबल खाना काबा आवाम के लिए हमेशा खुला रहता था। खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही अंदर दाखिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत से खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था और एक बड़े कपड़े में हजरा अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश साल 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और इसकी बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। यह अब तक की सबसे बड़ी आखिरी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तसव्वुर किया जाता है। दोस्तों, खाना काबा का सिर्फ 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का 1 दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और 1 बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना था खाना काबा में 1 खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। व्यूअर्स, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत डाल ली है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल थे। व्यूअर्स, मुकअब की शक्ल में मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकअब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरा इस्माईल कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी
اب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی سی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو ہجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازماً پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔